तो अपन बिजनेस में भी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंट्स में तो तुम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते ही हो, मतलब कर लिख कर ही सॉल्व कर, हाँ चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग, ठीक है ना? पहले समझते जाएंगे और फिर बुक से रीड करते जाएंगे, ठीक है? चलो देखो, पहले एक तो मैं पहले याद दिला दूं अपन का कैसा था, सबसे पहले मैनेजमेंट का जो प्रोसेस था वो पूरा कैसा था। सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं, फिर अपन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर अपन स्टाफिंग करते हैं। तो ये कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। पहले अपन ने प्लानिंग करी कि भाई हमको करना क्या है, अचीव क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किए थे, है ना? स्ट्रक्चर कैसे दिखते थे? स्ट्रक्चर कैसे दिखते थे, याद है क्या? रुको, ऐसा दिखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और फिर हर डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे, या फिर हर लोअर लेवल मैनेजर के अंदर वर्कर्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चरिंग करी है ना, इससे मैंने क्या करी है, मैंने पोजिशंस क्रिएट कर ली है। पोजिशन कैसे? कि भाई ये इंचार्ज की पोजिशन, ये इंचार्ज की पोजीशन खाली है, ठीक है? फिर इसके अंदर लोअर लेवल मैनेजर्स की पोजीशन, फिर उसके अंदर वर्कर्स होंगे। तो भाई अभी तो मैंने सिर्फ क्या बनाई थी, पोजीशंस। स्ट्रक्चर में मैंने पोजीशंस बनाई थी, अब इन पोजीशंस पे लोगों को भी तो बिठाना पड़ेगा, ठीक है? तो इन पोजीशंस को फिल करने का काम कहाँ होता है? स्टाफिंग, ठीक है? स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, इन पोजीशंस को फिल करेंगे। हर पोजीशन के लिए सही इंसान चुनकर लेकर आना को अपन स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है? आ जाओ देखो, पुटिंग द राइट पर्सन, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है? इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया है ना, बाय आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मुझे कौन से क्वालिफिकेशन के, कितने स्किल्स के, कितने एक्सपीरियंस के लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलरेडी मेरे पास कितने लोग हैं जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। फिर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं उनको अपॉइंट करने का काम करूंगी। अपॉइंट करने का काम में भी दो तीन चीजें आ जाती हैं, कि पहले तो ये ढूंढना कि कहाँ से अपॉइंट करें। एडवर्टाइजमेंट करना कि हमारे पास जॉब वैकेंसी है, आओ हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर अप्लाई करेंगे। फिर आप उन सारे लोगों में से एक को सिलेक्ट करोगे, इंटरव्यू वगैरह लोगे। फिर जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आप उसको ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग देकर फिर आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो ये पूरा जो प्रोसेस बोला वो क्या है? स्टाफिंग है। समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? तो यस मैम, यस मैम, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम, ठीक है? स्टाफिंग का काम क्या है? सही इंसान को सही प्लेस पे पुट करना। प्लेस मतलब वही पोजीशंस, है ना? सही टाइम पर जब हमको रिक्वायरमेंट है तब होना चाहिए हमारे पास, है ना? अब देखो, हम सबसे पहले सीख रहे हैं इस फंक्शन का इम्पोर्टेंस। अब क्योंकि हमारा टर्म टू सब्जेक्टिव होने वाला है ना, सब्जेक्टिव के लिए हमको जो भी आंसर्स आएंगे, एक तो केस स्टडीज आएंगे। केस स्टडीज में भी हमको कभी कभी केस स्टडी होती है, बट लिखने उसके अंदर इम्पोर्टेंस ही होते हैं, या उसके अंदर फीचर्स ही लिखने होते हैं, या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इम्पोर्टेंस लिखो, फीचर्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, डिफरेंस बिटवीन लिखो।
अब इन सारे आंसर्स को लिखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हमको जो सब पॉइंट्स है, सब हेडिंग्स है, वो याद होनी चाहिए. अंदर का मैटर हम अपने वर्ड्स में लिख लेंगे, ठीक है, बट हमको सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. अगर आप अपना आंसर प्रेजेंट करते टाइम, ठीक है, सब हेडिंग्स को प्रॉपरली लिखकर अंडरलाइन कर देते हो और उसके अंदर फिर अपना एक्सप्लेनेशन लिख देते हो दो दो लाइन का, तो आपका आंसर बहुत अच्छा भी दिखता है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने भी पेपर चेक किए हैं, है ना, जब एग्जामिनर बहुत जल्दी में होता है ना, तो कभी कभी वो हेडिंग्स देख लेता है कि सारी हेडिंग्स सही है, और अंदर का एक्सप्लेनेशन कभी कभी वो स्किप भी कर देता है पढ़ना. ठीक है, अगर जल्दबाजी में है तो हम अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ेंगे, हो सकता है. तो अगर सब हेडिंग्स परफेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे फुल मार्क्स भी मिल जाए उस आंसर में, समझ रहे हो. ठीक है, चलो तो अपन इम्पोर्टेंस देखते हैं. देखो यहाँ पर मेमोरी टेक्निक भी बनाई हुई है मैंने ना, इसको बहुत सिंपल बनाया हुआ है. बॉसी अपना क्या है, इसका मेमोरी टेक्निक है ना. स्टाफिंग करेंगे क्यों, क्या करेंगे, स्टाफिंग में एम्प्लॉयज को उनका बॉस मिल जाए ना, ठीक है, तो इसीलिए अपन मेमोरी टेक्निक क्या रखेंगे, बॉसी, ठीक है, बी ओ एस एस और सी. ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले बेटर परफॉर्मेंस, सबको अंदर देखते हैं अभी अपन. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इम्प्रूव सैटिस्फैक्शन एंड मॉरल, एंड फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल्स. ठीक है, अब सबसे पहला अपना था, अच्छा ये थोड़ा वैसे बॉसी के हिसाब से अरेंज नहीं है पर समझने के लिए बस, है ना. फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, अभी अपन ने स्ट्रक्चर देखा है ना, स्ट्रक्चर में पोजीशंस बना ली, अब उन पोजीशंस को कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट मतलब जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है उस जॉब को करने का, स्किल्ड है, वैसे लोगों से मुझे क्या करना है, उन पोजीशंस को फिल करना है. तो स्टाफिंग के फंक्शन के वजह से वो हो पाता है ना. तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया, गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट ना. कभी कभी ना लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा होगा या हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, अच्छी मशीनरी होगी, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयज जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग्स या जो ह्यूमन रिसोर्सेज बोल लो आप, उनको आप बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आते हो, ठीक है, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होती है. क्योंकि अच्छे लोग कम अच्छी मशीनरी के साथ, कम पैसों के साथ भी बहुत अच्छा कर लेंगे, बट अगर वो अनस्किल्ड है, नॉलेज नहीं है उनको, ठीक है, तो बहुत अच्छी मशीनरी भी दे देंगे, बहुत महंगी मशीनरी भी दे देंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये एक फैक्टर है बहुत अच्छा, है ना. तो गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, सिलेक्टिंग, अप्रेजिंग, अप्रेजिंग मतलब उनको प्रमोशन देना, कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करना, क्रेडिट देना, ट्रेनिंग द एम्प्लॉय, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स. तो पहला इंपॉर्टेंस था कि कॉम्पिटेंट पर्सनल से हमारी जॉब्स क्या होती है, फिल हो जाती है. ठीक है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू अप्रेजल एंड फेयर रेम्यूनरेशन. जब आप लोगों को रखते हो स्टाफिंग में, सिर्फ लोगों को रखना ही नहीं, ये भी आता है कि आप उनको पे कितना करोगे, कंपनसेशन कितना दोगे आप उनको, है ना. जो अच्छा करेगा उसको आप अगर ज्यादा पैसे दोगे या उसको आप ज्यादा फैसिलिटीज दोगे, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, है ना, और वो खुश रहकर फिर काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो स्टाफिंग की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन और मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि अप्रेजल और फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब जितना उनको मिलना चाहिए उतना देकर मैं उनको जस्टिफाई कर देती हूँ. ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब.
ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोई जॉब में जॉब करने लग जाऊं जो काम मुझे पसंद नहीं है, जो काम मुझे पसंद नहीं है, क्या मैं उसको बहुत अच्छे से कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो जो काम मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। अब जब मैं किसी को रखती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं उसका इंटरव्यू लेती हूँ, मैं ये चेक करती हूँ कि भाई तुमको वो काम आता भी होना चाहिए, प्लस तुम्हारे इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये देख कर ही उसको सिलेक्ट करूंगी। जब मैं ऐसे देख कर सिलेक्ट करती हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस मेरी ऑर्गेनाइजेशन की हायर रहती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो अच्छे से करेगा, खुशी खुशी करेगा। अगर मैं बिना देखे किसी को रख लूं, है ना, और पता चले कि यार वो तो मजबूरी में जॉब कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी भी कम और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज टू सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर। अब ये क्या है, ये समझो, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? जब मैं किसी को जूनियर पोजीशन के लिए, मान लो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए किसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, और वो पर्सन मैंने देख के सिलेक्ट किया, अच्छा है, उसको मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, ट्रेनिंग देने का काम भी स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स वालों का ही होता है, ठीक है, उसको मैं ट्रेन भी कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ, तो वो अपर पोजिशन के लिए क्या होता जा रहा है? रेडी होता जा रहा है। तो जो लोअर वाले लोग हैं वो अपर पोजिशन में प्रमोट होते जाएंगे और लोअर पोजिशन को मैं फिल करती जाऊंगी, इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती जाएगी? ग्रो होती जाएगी। ठीक है। तो सर्वाइव भी हम कर पाएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज हैं क्योंकि, और हम ग्रो भी कर पाएंगे क्योंकि जो नीचे वाले लेवल है उनको फिर हम प्रमोट करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे, और नीचे वाले लेवल्स को फिर फिल करते जाएंगे स्टाफिंग से। ठीक है। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ मेंटेन होगा, है ना। और लास्ट इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। स्टाफिंग प्रिवेंट्स ओवर स्टाफिंग, अंडर यूटिलाइजेशन एंड हाई टर्नओवर ऑफ पर्सनल। अब इसका क्या मतलब है? ओवर स्टाफिंग मतलब ज्यादा लोग भरे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी जरूरत नहीं है। जब मैं स्टाफिंग वाला फंक्शन प्रॉपरली करती हूँ ना, तो मैं कभी भी ज्यादा लोगों को नहीं रखती हूँ, जितने जरूरी है उतने ही रखते हैं हम, क्योंकि प्लान करके रख रहे हैं, ओवर स्टाफिंग नहीं होती। अब क्यों, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है, बट काम कम है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, जबकि सब लोग ज्यादा ज्यादा काम कर सकते हैं, तो उसके कारण अंडर यूटिलाइजेशन होगा। अब अगर आप स्टाफिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपका ओवर स्टाफिंग नहीं होगा और अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया। हाई टर्नओवर का मतलब होता है लोग ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब यार कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करने गई, वहां काम ही नहीं था ज्यादा, ठीक है, तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, मैं छोड़ के आ गई वहां से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर क्या होगा? ज्यादा ज्यादा लोग छोड़ छोड़ के जा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टाफिंग आप अच्छे से करोगे तो ये तीन चीजें नहीं होंगी, और अंडर स्टाफिंग भी नहीं होगी। अंडर स्टाफिंग मतलब शॉर्टेज भी नहीं होगी। जब भी ऐसा लगेगा कि यार ये काम के लिए कोई नहीं है, पर्सन शॉर्टेज है, तो आप क्या कर लोगे? स्टाफिंग वाले फंक्शन से क्या करोगे? अपॉइंट कर लोगे। ठीक है। तो ओवर स्टाफिंग भी नहीं होगी और अंडर स्टाफिंग भी नहीं। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जितने लोग चाहिए उतने ही लोग मैं अपॉइंट करूंगी, ताकि जितना जो काम कर सकता है वो फुल तरीके से कर पाए। ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि ओवरबर्डनड है कि भाई मैं एक इंसान तीन लोगों का काम कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और मैं एक इंसान में आधी इंसान का काम कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, इम्पोर्टेंट समझ में आ गए। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। हेलो हेलो मैम, आ गया समझ में? एक बार अपन ओवरऑल फिर से रिवाइज कर ले। अच्छा चलो, इसको ना अभी अपन ने पीपीटी से तो पढ़ लिया है, 5 पॉइंट्स एक बार जल्दी से रिवाइज करो, फिर बुक से भी रीड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पॉइंट्स अपन को अच्छे से हो जाएंगे प्रिपेयर। बेटर परफॉर्मेंस,
ठीक है, बॉस ही अपन को याद रखना है, बेटर परफॉर्मेंस, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एस से सर्वाइवल एंड ग्रोथ, फिर एस से सैटिस्फैक्शन एंड मॉरल इंप्रूव होता है ना, और सी से कॉम्पिटेंट पर्सन फेल हो जाते हैं जॉब में, है ना। ठीक है, आ जाओ। संदीप गर्ग, जल्दी से रीड करते हैं, ठीक है, जो अपन ने पीपीटी में पढ़ा वही है। फिलिंग जॉब विथ कॉम्पिटेंट पर्सनल, है ना। देखो कॉम्पिटेंट पर्सनल में मैंने लिखा भी था लायक लोग, लायक मतलब जो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, ठीक है, नॉलेजेबल है ना। तो स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। फिर बेटर परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस हो पाती है बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन को गलत जॉब पे पुट कर दूं जिसमें वो अच्छा नहीं है या जिसपे उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? कम। राइट पर्सन को राइट जॉब पे पुट करेंगे तो परफॉर्मेंस क्या रहेगी? ज्यादा, ठीक है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ हो पाएगी क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग करेंगे हम मैनेजर्स की, है ना। उनको ट्रेन कर करके प्रमोट करते जाएंगे और फिर नीचे वाले लेवल्स को फिल करते जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी वजह से क्या होगा? स्टाफिंग की वजह से ओवरस्टाफिंग नहीं होगी और अंडरस्टाफिंग नहीं होगी। ओवरस्टाफिंग प्रिवेंट हो जाएगा इसके कारण अंडर यूटिलाइजेशन, और हाई टर्नओवर भी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एंड मॉरल, प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग। उसमें लिखा था ना फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब आप फेयर रेम्यूनरेशन देते हो लोगों, ठीक है क्या? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजिंग सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन हैज बीन डिसाइडेड। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था? स्ट्रक्चर डिसाइड किया था, पोजीशंस डिसाइड करी थी, ठीक है। पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दिस पोजीशंस, सब्सिक्वेंटली दे नीड टू बी ट्रेन एंड मोटिवेटेड टू वर्क इन हार्मनी विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग इज सीन एज अ जेनेरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। समझ गए थे क्या अच्छे से? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए क्या? हेलो हेलो, यस मैम। ओके, चलो ये अभी ये वाला जो टॉपिक है वो सीबीएसई ने इंक्लूड नहीं किया है कैरिकुलम में ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट ये वाला करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो केस स्टडी के फॉर्म में है पर बहुत सिंपल है, और ये पिछले साल के सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई के जो सैंपल पेपर होते हैं उसका क्वेश्चन है। अली मोहम्मद द सीईओ ऑफ सुपर लिमिटेड बिलीव्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ द फर्म। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज की बात कर रहा है वो। ही बिलीव्स दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड द वेरियस पोजिशन प्रोवाइडेड फॉर इन द स्ट्रक्चर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक सही काइंड ऑफ पीपल उसमें इंक्लूडेड ना, ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब बताओ यहाँ पे उन्होंने स्टाफिंग का नाम नहीं लिया है, बट वो क्या बोल रहा है? राइट काइंड ऑफ पीपल को वेरियस पोजिशन पे फिल करना है। तो कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? मैनेजमेंट के पांच फंक्शन है, उसमें से अपन को एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये स्टाफिंग की बात कर रहा है। समझ में आया ये? स्टेट द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन इन द फर्म विल एंश्योर।
अब पहले तो ये पहचानना था कि स्टाफिंग की बात कर रहा है, और दूसरे नंबर पे हमको स्टाफिंग पहचाननी है तो स्टाफिंग के बेनिफिट्स लिखने हैं जो इम्पोर्टेंस हमने पढ़े। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, पॉसी लिखना है। ठीक है, समझ गए क्या? देखो केस स्टडीज बहुत सिंपल होती है, बस ये पहचानना कि वो पूछ क्या रहे। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे स्टाफिंग का नाम नहीं लिया, और हमको पैराग्राफ से समझना था कि भाई वो वेरियस पोजीशंस फिल करने की बात कर रहा है बाय राइट काइंड ऑफ पीपल, मतलब वो स्टाफिंग की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर हमें पहचान में आ जाएगा, हमको 5 पॉइंट्स याद है, हम क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंस लिख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, वाला आंसर तुम लोग मुझे लिख कर दिखाओगे होमवर्क में, मार्क कर लो इसको होमवर्क की तरह। आगे है इतना, स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होता है? तो देखो ये इसके स्टेप से पूरे, सबसे पहले अपन एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब इसके अंदर दो चीजें करेंगे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी, दो चीजें करेंगे, कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा अपन लगाएंगे। और दूसरा, कितने लोग हमारे पास ऐसे क्वालिफिकेशन ऐसे स्किल के ऑलरेडी हैं, तो अपन को गैप पता चल जाएगा कि हमको और कितने अपॉइंट करने हैं। ये काम अपन फर्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, कि हमको और कितने अपॉइंट करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास खाली पोजिशन है, वैकेंसी है, वैकेंसी है, वैकेंसी है, आप आकर क्या करो, अप्लाई करो। इस वाले स्टेप में मेन हमारा पर्पस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास अप्लाई करें, ताकि हमारे पास एक पूल हो लोगों का, बहुत सारे लोगों का, जिसमें से हम क्या कर पाए, सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, जब अपन ड्रेस सिलेक्ट करने जाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हमें ज्यादा वेराइटी शो हो, तो हमको फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर वो दो ही ड्रेस दिखाएगा, उसमें से एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग को, एक पर्सन को अपॉइंट करना है मान लो, पर एप्लीकेंट्स क्या होने चाहिए, बहुत सारे, जिसमें से हम एक को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट में हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अब चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू हो, बहुत सारे तरीके हैं। एक बार हमारे पास सारे एप्लीकेंट्स आ गए, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है, उनका मेडिकल टेस्ट लेते हैं। ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को जॉब देती है ना, तो वो ये देखना चाहती है कि वो जो पर्सन है वो फिजिकली फिट है कि नहीं जॉब करने के लिए। ठीक है, जो भी फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है फॉर द जॉब, हर जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस अलग होती है ना। अब कोई दिमाग वाला काम है, टैक्स कैलकुलेशन वाला काम, तो उसमें अगर पर्सन चल नहीं सकता है, ठीक है, तो चलेगा। बट अगर आर्मी की जॉब है तो फिर फिजिकली फिट ज्यादा, तो हर जॉब की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो फिजिकल टेस्ट लेते हैं। प्लस दूसरा ये होता है ना कि यार मान लो कि मुझे बैक पेन पहले से है, अब मैं किसी जगह पर जॉब करने लगी और मैंने उन पर क्लेम डाल दिया कि इनके जॉब की वजह से मुझे बैक की प्रॉब्लम हुई है, तो फिर कंपनी फंस जाएगी ना। तो वो पहले से जान लेते हैं कि भाई तुमको क्या क्या दिक्कत है। हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, अब मान लो कि हमने चार पोजीशंस के लिए चार लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब हम उनको प्लेस करेंगे। प्लेस करेंगे मतलब उनको उनकी राइट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, उनको उनकी पोजीशन दिखाएंगे, क्या काम करना है ये बताएंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, या इंडक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, कोई नया पर्सन आया हमारे यहाँ जॉब करने, तो हम उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं, सारे एम्प्लॉयज से मिलवाते हैं, कौन सुपीरियर है, कौन जॉब बॉस है वो बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बताते हैं, ताकि वो
पूरे एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ ले ताकि उसको सेटल करने में आसानी हो, ठीक है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। और फिर हम टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि वो अपनी जॉब, हाँ जॉब के नॉलेज उनका इम्प्रूव होता जाए, अपनी जॉब में इम्प्रूव होते जाए और डेवलपमेंट से वो हायर पोजीशंस के लिए भी रेडी होते जाए, ठीक है। ये पांच मेन पॉइंट्स हैं। पर देखो, एक होता है स्टाफिंग, दूसरा टर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के तीन और काम होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है अलग से, तो जो स्टाफिंग कर रहा है ना, वही लोग तीन फंक्शंस और परफॉर्म करेंगे, तीन प्रोसेस और परफॉर्म करेंगे। क्या है वो तीन प्रोसेस? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको इवैल्यूएट करना, सबकी परफॉर्मेंस, जैसे तुम लोगों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है ना एग्जाम लेकर, वैसे ही एम्प्लॉइज की भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया पूरे साल, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से जैसी भी उनकी पोजीशन परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से फिर उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको सैलरी बढ़ाई जाती है, किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको ट्रांसफर दिया जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। कंपनसेशन देना मतलब उनका रेम्युनरेशन फिक्स करना, रेम्युनरेशन सैलरी, एक देखो रेम्युनरेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दो चीजें पढ़ेंगे अपन। मॉनेटरी पैसे कि यार जॉब में कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, और दूसरा नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब परक्यूजेट्स जो कंपनी देती है, जैसे कि घर दे दिया रहने को, लैपटॉप दिया है, ठीक है, कन्वेयंस दिया है ऑफिस से, घर घर से ऑफिस आने के लिए कार दी हुई है, ठीक है। तो ये सब भी कहाँ आता है, कंपनसेशन। ह्यूमन रिसोर्स वालों का ही काम होता है कि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करें, प्रमोशन करें और कंपनसेशन भी डिसाइड करें, ठीक है। टाइम टू टाइम ये कंपनसेशन क्या होता जाएगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, प्रोसेस। अब अपन एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। पहला स्टेप क्या था, हमको एस्टिमेट करनी है मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना, मैन पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड टू गेट राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन एट द राइट टाइम। थ्रू दो चीजें अपन करते हैं इसके अंदर, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है, दो W's, वर्कलोड और वर्कफोर्स, ठीक है। वर्कलोड क्या है देख लेते हैं। वर्कलोड है कि अनेबल एन एस्टिमेशन ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की हमको क्या है, जरूरत है अपनी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस, है ना। और दूसरा क्या है, वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास कितने नंबर ऑफ और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि क्या हम अंडरस्टाफ्ड हैं या क्या हम ओवरस्टाफ्ड हैं या हमारे पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और जो भी हमको पता चलेगा उसके हिसाब से हम एक्शन लें, है ना। तो डिस्क्लोज द नंबर एंड टाइप अवेलेबल टू नो वेदर अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड या ऑप्टिमली स्टाफ। ऑप्टिमली स्टाफ का मतलब है राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे पास, जितने हमको चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था,
कि इसमें हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं लोगों को और हम एनकरेज करते हैं उनको कि आप हमारे पास क्या करो, अप्लाई करो। हम ये पॉजिटिव स्टेप बोला जाता है इसको, पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है। और सिलेक्टिंग जो सेकंड अगला स्टेप है उसको बोला जाता है नेगेटिव स्टेप, क्योंकि 10 लोग आ गए हैं जॉब के लिए, अब उसमें से मैं 9 को क्या करूंगी, मना, और 1 को सिलेक्ट करूंगी, तो मैं ज्यादा को मना कर रही हूँ ना, तो वो नेगेटिव स्टेप है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड एनकरेजिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस। रिक्रूटमेंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में आगे जाकर, कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, इंटरनल सोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है, जहां से आप बुलवा सकते हो लोगों को, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन वाला प्रोसेस जो स्टेप है उसको भी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तीन पूरे प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये 3 अपन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर, ठीक है। सिलेक्शन में क्या होगा, देखो, चूजिंग फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। अब 10 लोग आ गए, 10 लोगों की एप्लीकेशन आ गई मेरे पास, उसमें से मैं क्या करूंगी, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगी टू फिल अप द वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। ये समझ में आया, इसको भी डिटेल में करेंगे कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है ना, कितना एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, ये सब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अपन सिलेक्शन का। हर कंपनी अपना अपना अलग करती है ना बेटा, ठीक है। तो हर कंपनी अपने अलग तरीके से सिलेक्ट करती है, बट मेन प्रोसेस सेम होता है उनका, ठीक है। प्लेसमेंट नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखो सबसे पहला क्या था कि एस्टिमेट किया कि कितने लोगों को अपॉइंट करना, फिर क्या किया रिक्रूटमेंट, फिर क्या किया सिलेक्शन, सिलेक्ट कर लिया आप सही कैंडिडेट को, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका प्लेसमेंट करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो प्लेसिंग मतलब ऑक्यूपाई कर लेना उसकी पोजिशन को, मतलब उसके उसको उस पोजिशन पे क्या कर देना, बिठा देना, ठीक है, बिठा दिया ना लड़की को यहाँ पर, ठीक है। The organization for which they have been selected. Orientation मतलब क्या? Introduce करना भाई, कि भाई organization में कौन कौन all employees हैं, बाकी सारे employees के साथ उनको introduce करवाना, organization के rules policies क्या हैं, ताकि क्या कर सके, वो adjust कर सके with the working environment, ठीक है। फिर था training and development. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों की जाती है भाई, कि उनका जॉब नॉलेज और उनका कॉम्पिटेंस और इम्प्रूव होता जाए, ठीक है ना, अनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली। जितना ज्यादा वो ट्रेन होते जाएंगे उतना ज्यादा उनकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, ऑन देयर जॉब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन, और इसके बेसिस पर फिर आप प्रमोट करते हो और उनका कंपनसेशन भी डिसाइड करते हो। प्रमोट करना है, नहीं अच्छा कर रहा है तो ट्रांसफर कर दो उसको, बहुत ही बुरा कर रहा है और नुकसान करवा दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है निकाल भी दे उसको ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोशन में क्या करते हो, एम्प्लॉय शुड बी गिवन टू अकॉर्डिंग टू बोथ एबिलिटी एंड सीनियोरिटी, ठीक है। सीनियोरिटी मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग पॉलिसीज होती है प्रमोट करने की, जो मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसमें आप सीनियोरिटी बेसिस पर प्रमोट होते हो, मतलब जो सीनियर है, जो पहले आया था ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम से काम कर रहा है, उसको आप प्रमोशन देते जाते हो। जो बाद में आया है वो जूनियर है, तो वो जूनियर है तो वो बाद में प्रमोट होगा। कुछ प्राइवेट कंपनी रहती है, जो प्राइवेट कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को बहुत
इम्पोर्टेंस देती है, मतलब वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, उनकी एबिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि वो अच्छा करना चाहते हैं, तो वो प्रमोशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। जो ज्यादा अच्छा कर रहा है वो भले बाद में आया हो, भले वो जूनियर हो, उसको प्रमोट कर देंगे वो। अगर सीनियर अच्छा नहीं कर रहा है और जूनियर ज्यादा अच्छा कर रहा है तो जूनियर को प्रमोट कर देंगे प्राइवेट में, क्योंकि वो एबिलिटी देखकर, काम देखकर प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक है। और सीनियोरिटी मतलब जो पहले आया वो पहले प्रमोट होता जाएगा, ठीक है, मतलब वो ऊपर की पोजीशन में जाता जाएगा और इसके नीचे की पोजीशन में फिल करते जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन, कंपनसेशन मैंने बताया ना, एम्प्लॉयज रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट फ्री घर, कार, लैपटॉप, ये सब क्या है? कंपनसेशन, ठीक है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसा ही जो उनको मिल रहा है, और नॉन मॉनेटरी में यही सब, रेंट फ्री घर, ठीक है, कार, है ना, ऐसा सुना होगा ना कि कंपनी की तरफ से कार मिली है, कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है रहने को, ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। चलो बुक से भी देख लिया वाला एक बार जल्दी से, है ना, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्टाफिंग प्रोसेस में आ जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन डिटरमाइन करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। टाइप मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। While assessing the type of manpower required, company should also make policy. ये वाले पॉइंट में उन्होंने बोला है कि women, backward community के लोग, special ability वाले लोगों को भी appoint करने के लिए company की क्या होनी चाहिए? Policy. ठीक है? वरना तो implied ही ये चलता है कि भाई जो ऐसे लोग हैं backward ability areas वाले या special abilities वाले, इनको appoint नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि मेंटालिटी वैसी है लोगों की, ठीक है। या औरतों को नहीं अपॉइंट करेंगे, सिर्फ मेन को ही अपॉइंट करेंगे, मेल्स को ही अपॉइंट करेंगे। तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए कंपनी के पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसी कि नहीं, इनको भी अपॉइंट करना है, ठीक है, ताकि ये लोग छूट ना जाए। मैन पावर रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैं ये सब डिटरमाइन करूंगी कि भाई जो लोग चाहिए मुझे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स द बेस ऑफ लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉय। इसी के बेसिस पर फिर आप आगे के डिसीजन लोगे ना, ठीक है। इसमें अपन ने दो डब्ल्यूज पढ़े, कौन कौन से? वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड में क्या किया? डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस जॉब्स, कितने लोगों की जरूरत है हमें, है ना। और वर्क फोर्स में हमने क्या किया? कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, है ना, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। इससे पता चलेगा, ये पूरा एनालिसिस से पता चलेगा कि क्या हम ओवरस्टाफ हैं या हम अंडरस्टाफ्ड हैं या हमारे पास सही लोग जितने हमको चाहिए उतने हैं, ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं, ठीक है। एम क्या है? टू हैव राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था? रिक्रूटमेंट, है ना। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? लोगों को एनकरेज करते हैं कि आओ हमारे पास क्या करो, अप्लाई करो, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का पूल हो जिसमें से हम सिलेक्ट करें, ना। सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, द कैंडिडेट प्रोफाइल मे बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टीजमेंट में भी डिस्प्लेज ऑन ऑफिस गेट या फिर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हो क्लासिफाइड में कि आपको इस क्वालिफिकेशन का ये पर्सन चाहिए. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट एंड डिटरमाइनिंग द सोर्स. सोर्स में आप इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स यूज करोगे, अपन डिटेल में पढ़ने ही वाले. ठीक है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव कि भाई पूल क्रिएट हो जाए ऑफ एप्लीकेंट जिसमें से आप क्या कर सको, सिलेक्ट कर सको. सिलेक्ट में आप क्या करते हो, चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. जितने भी लोग आए हमारे पास उसमें से हम क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट कर. इस स्टेप को अच्छे से करने की दो इंपॉर्टेंस है. ठीक है, क्या है वो दो इंपॉर्टेंस कि भाई इंश्योर हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट. अगर मैं बहुत अच्छे से रिग्रेसली सिलेक्शन वाला प्रोसेस करती हूँ, टेस्ट अच्छे से लेती हूँ, फिर इंटरव्यू अच्छे से लेती हूँ, तो मैं सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करके लेकर आऊंगी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, कोई गलत इंसान नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में. और इससे सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज भी एक बढ़ता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, कि यार इतना टफ था ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू प्रोसेस, इतना टफ था एग्जामिनेशन, फिर भी मैं क्रैक करके मैं सिलेक्ट हो गई, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है, एप्लीकेंट्स हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर दे दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा ली जाती है कि भाई ये कंडीशंस होंगी. ठीक है, इसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट में क्या करते हो आप, असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब उसको बता देती हो कि भाई इस पोजीशन पे इस जॉब पे काम करोगे आप. ठीक है, और इंडक्शन ओरिएंटेशन में क्या करते हो, उसको पूरा ब्रीफ दे देते हो पूरे कंपनी के बारे में, सारे एम्प्लॉय से मिलवा देते हो, उसके सीनियर्स कौन है, उसके जूनियर्स कौन है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बता देते हो. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या करते हो, बस ट्रेन करते जाते हो उनको ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते जाएं. ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड स्किल, ऑल्सो इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस फॉर करियर ग्रोथ. उनका भी करियर ग्रोथ अच्छा होगा. ऐसा नहीं होगा ना कि करियर में मैं एक जगह काम कर रही हूँ, मैं वहीं पे रुकी हुई हूँ, मैं भी क्या होती जाऊंगी, मेरे करियर में भी क्या होता जाएगा, मेरा ग्रोथ होता जाएगा. मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस ट्रेनिंग करवा सकता है या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके उनकी ट्रेनिंग बाहर भी करवा सकता है. ठीक है, इसको ये जो तीन टॉपिक्स अपन ने पढ़े ना, एक सिलेक्शन और ये पूरा है आगे के चैप्टर में डिटेल. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या कर रहे थे, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ना, उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं. द स्टैंडर्ड्स उनको पहले से पता होता है कि यार ये बेसिस पर मेरी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा. ठीक है, सुपीरियर इज टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस. सुपीरियर उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करके उनको बताते हैं कि भाई देखो तुमने ये अच्छे से नहीं किया, ये वाला काम तुमने बहुत अच्छे से किया. ठीक है, उसके बेसिस पर उनको बेटर असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है या ट्रांसफर मिलता है. ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीका, किसी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तरीका फॉलो होता है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मली वो चीज होती है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग. अप्रेजिंग का मतलब होता है इवेल्युएटिंग. ठीक है ना, फिर प्रमोशन. Organization must encourage the employees to grow and realize their full potential. It becomes necessary for all organization to address the career-related issues. Promotional avenues to serve the employees' long-term interest. अगर उनको प्रमोट नहीं करेंगे, एक ही पोजिशन में वो कई सालों तक काम करते रहेंगे, तो फिर तो वो हो जाएंगे, मोनोटोनस हो जाएंगे, उनको बोर लगने लगेगा, उनको लगेगा कि यहाँ तो ग्रो ही नहीं कर रहे हम. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं. ठीक है, प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर.
हर पर्सन को अपने करियर में क्या चाहिए होती है, ग्रोथ दिखनी चाहिए होती है, ठीक है। प्रमोशन रेफर्स टू एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की क्या पढ़ी थी अपन ने, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल लोअर, ठीक है। अब आप लोअर मैनेजमेंट में आपने ज्वाइन किया, बट आप क्या करते जाओ, आप ऊपर जाते जाओ, ये जरूरी है। अगर आप लोअर में ही काम करते जाओगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। प्रमोशन इज जनरली अकंपनीड विद ग्रेटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपका सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है, आपका स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है, आपको ज्यादा प्रेस्टीजियस भी फील होने लगता है, इंपॉर्टेंट भी फील होने लगता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्ट स्टेप क्या था, कंपनसेशन। फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग अ कंपोनेंट ग्रुप। अगर मैं उनको पे अच्छे से नहीं करूंगी, फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दूंगी, तो वो फिर यही होगा कि वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। वो तो रूल है, ठीक है, बट वो तो बहुत मिनिमम रूल है ना, मिनिमम कंपनसेशन है, ठीक है। प्लस वो जो है ना, वो जो कम एजुकेटेड या जो नहीं एजुकेटेड लोग हैं उन पर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं या जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, उनकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रेम्यूनरेशन नहीं फिक्स कर सकता। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन भी क्या होना चाहिए, अलग तय होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ ज्यादातर कंपेयर होता है कि यार वो वाली कंपनी इस लेवल ऑफ मैनेजर को इतना पैसा दे रही है और ये वाली कंपनी मुझे इतना पैसा दे रही है, तो कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेरिजन होता है कि यार मैं उस कंपनी में जॉब अप्लाई कर लेता हूँ या छोड़ देता हूँ, तो मुझे वहां ज्यादा मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिंग कंपनी ज्यादा दे भी देती है, क्योंकि दूसरी कंपनी से आ रहा है ना बंदा, ठीक है, तो दूसरी कंपनी ने सिखाया वाला नॉलेज भी उस कंपनी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा देते। ऐसे ही तो करते हैं वो लोग, जितने भी इंजीनियर या एमबीएस होते हैं, वो अपनी जॉब शिफ्ट कर कर ही अपना पे रेस करते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ द जॉब नीडेड टू बी डिटरमाइंड, इनको तय करना पड़ेगा कि आपको जो भी जॉब है उसके लिए आप कितना पे करने को तैयार हो, ठीक है। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स, इसमें पढ़ा था ना, फाइनेंशियल और इनडायरेक्ट में नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में यही आ जाएगा, रेंट फ्री, होम फ्री, कार एक्सेट्रा, ठीक है। और फाइनेंशियल में आ जाएगा सैलरी, बोनस, कमीशन, है ना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, द कंपनसेशन पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन अभी खराब है तो कंपनी ज्यादा पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब अगर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से पास्ट में एम्प्लॉयज को रखती आई है, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रीट करती आई है, तो अगर कोई मुश्किल टाइम में वो कम भी पे करने लग जाए तो भी एम्प्लॉयज चला लेते हैं। बट अगर वो पहले से ही बुरा ट्रीट हो रहे थे और फिर मुश्किल टाइम में वो और कम कर दे सैलरी, तो फिर एम्प्लॉयज छोड़ के भागने लगते हैं, ठीक है। सैलरी ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिंग फर्म्स, दूसरे फर्म्स कितना दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज एक कंपनी से दूसरी कंपनी का कंपैरिजन करते ही करते हैं, ठीक है। रूल्स फ्रेम का गवर्नमेंट, जो तुमने बोला, ठीक है, कि मिनिमम जो तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये लेबर्स के लिए काम करते हैं ज्यादातर, है ना। और कंपनी की पॉलिसी, इस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनसेशन कितना पे करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया क्या? हेलो हेलो मैम, सर्टेन पे प्लान्स कैन बी क्रिएटेड व्हिच कैन आर टू बी कंबाइंड बाय टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव फॉर हायर परफॉर्मेंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये आपकी मिनिमम सैलरी है, बट अगर आप इस टारगेट से ज्यादा अच्छा करते हो तो फिर आपको इतना इंसेंटिव और मिलेगा। ये उससे क्या होगा ना, मोटिवेशन भी क्रिएट हो जाएगा कि यार ठीक है, इतना तो मिनिमम मिल ही रहा है हमको, और अगर हम और अच्छा करेंगे तो हमको इतना और एक्स्ट्रा मिलेगा, उस एक्स्ट्रा के लिए हम हमेशा काम करते हैं, ठीक है।
Managers may formulate various plans for compensation, but all of them should be adequate and ये बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कंपनसेशन के, बोनस के, टारगेट बेस्ड बहुत सारी जॉब्स होती हैं सेल्स में खासकर, कि यार इतनी सेल्स कर दी तो इतना पैसा तुमको मिलेगा, कमीशन बेस्ड, ठीक है। तो बहुत अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो कल अपन इसको रिवाइज करके फिर आगे का करेंगे। तुम लोगों को होमवर्क में करना है केस स्टडी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है अपन को, है ना, क्योंकि एक तो पहले राइटिंग की हैबिट वापस से चालू करनी पड़ेगी। कब लिखा था आखिरी बार? पिछली बार तुम लोग सीरियसली कहाँ होमवर्क करते थे, फिर जब नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, सीबीएसई का, कि एमसीक्यू होगा, फिर तो लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो अब अभी वापस से लिखना चालू करो रेगुलरली, है ना, ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो। चलो कल कंटिन्यू करते हैं, ओके।